कुछ क्षणों में, कुछ क्षणों में हम YouTube पे भी लाइव है। YouTube पे हमारे 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और लाइव अन सब्सक्राइबर को भी दिखता है, तो पूरे दुनिया से लोग जुड़ेंगे। और हम आपको हमारे बहुत सारे लेक्चर्स YouTube पर देखने के लिए मिलेंगे, मोर देन 100 लेक्चर्स हैं। जयप्रकाश सोमानी नाम डाल दीजिए YouTube पे, आपको हमारी पूरी कुंडली मिलेगी। बाद में ये लिंक भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप जब चाहे इसको देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कुछ सेशन रहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं अभी बताता हूं आपको कि पीपीटी शेयर करके कि कैसा कैसा हम आगे कौन से टॉपिक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाली मैं सबके माइक प्रॉपर बंद है क्या देख लेता हूं एक बार। अमित, आप आपके हिसाब से आपका म्यूट कर लीजिए, बाद में एंड में आपको जो बोलना है तब आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपका खोल दिया है मैं। दोस्तों, हमारा पोर्शन बहुत ज्यादा है आज का, इसलिए किसी को कुछ सवाल पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे वो सब हमारे प्रोग्राम में अपने आप ही कवर होंगे। इसलिए आप अगर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ज्यादा अच्छा है। हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे सर्कुलर देख के आपको हमारा नंबर भी मिलेगा उसमें। बाद में आप हमको, हमारे दीपिका मैडम को जो हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एरोनिका ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की, उनको भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज ज्यादा समझने के ऊपर फोकस करना है। पीपीटी तो शेयर मैंने किया है, आपको दिखता है पीपीटी, तो खाली ओके ओके का कर दीजिए कोई तो भी एक दो लोग, क्योंकि किसी का मैसेज आया चैट बॉक्स में आया कि पीपीटी शेयर कीजिए। मैंने तो शेयर किया है, दिखता है तो ओके ओके ओके, थैंक यू। बस। दोस्तों, एनरिच योर सेल्फ, एनरिच योर कंट्री, ये हमारा स्लोगन है। आप खुद समृद्ध बनिए तो आपका राष्ट्र हिंदुस्तान अपने आप ही समृद्ध बनता है। आज का हमारा विषय है एग्री एक्सपोर्ट्स इन एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। Why to do export import? ये हमारा विषय आज का। Why to do export import? हमने export import क्यों करना चाहिए? उसके तीन कारण है, export के तीन कारण है। एक तो profit ज्यादा मिलता है, हमारे देश में जो भाव मिलते हैं उससे ज्यादा अच्छे भाव उनको विदेश में मिलते हैं, तो profit ज्यादा कमाना ये बहुत अच्छा attraction export के लिए है। दूसरा है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, भारत सरकार 15-16 टाइप के इंसेंटिव देती है। यस, 15-16 टाइप की देती है, काफी एक्सपोर्टर को मालूम नहीं है। भारत सरकार की 2-4 ही इंसेंटिव देती है ऐसा उनको लगता है, लेकिन 15-16 टाइप के इंसेंटिव है। प्रॉपर प्रशिक्षण लेते हैं तो सब ये चीजें मालूम होती है। और तीसरा जो रहता है मेन अट्रैक्शन एक्सपोर्ट्स का, वो है फॉर अर्निंग फॉरेन करेंसीज फॉर अवर कंट्री। आप अपने वतन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए फॉरेन करेंसी कमाते हैं, बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति हमको एक्सपोर्ट करते समय मिलती है। इंपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि इंपोर्ट से क्या होता है, तो इंपोर्ट से हम अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाते हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट भी हम दूसरे देश से हमारे देश में लाते हैं, ये इंपोर्ट का भी महत्व है। इसलिए एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, इंपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन मेरा सबको अपील है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड मस्ट बी पॉजिटिव। आप जो भी करेंगे उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते समय थोड़ा एक्सपोर्ट ज्यादा कीजिए,
इंपोर्ट्स हैं, तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पॉजिटिव रहेगा और भारत का भी बैलेंस ऑफ ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हो जाएगा. हु कैन स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कौन कर सकता है, उसके ऊपर अभी हम हैं. कोई भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ये सब लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने प्रोडक्ट का कर सकते हैं. प्रोफेशनल लोग जो है, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर्स, ये अपने अपने सर्विसेज, सेवा एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हाउसवाइफ भी एक्सपोर्ट में आती है काफी. ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अपना कॉलेज संभाल के कुछ समय एक्सपोर्ट्स में लगते हैं और अर्न एंड लर्न करते हैं और फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स में मास्टर बनता है. मैं अंत में कुछ सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा आपको, मजा आएगा. कोशिश कीजिए जब तक मेरा सक्सेस स्टोरी खत्म नहीं होगा और जय हिंद वंदे मातरम नहीं मैं बोलूंगा, तब तक आप मीटिंग ना छोड़िए, क्योंकि हो सकता है एखाद अंतिम क्षण में भी ऐसी किक मिल जाती है कि जीवन बदल जाता है. एम्प्लॉइज जो रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो भी अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. नौकरी करते करते नौकरी का संभाल के टाइम मॉर्निंग में 2-1 घंटा, इवनिंग में 2-1 घंटा निकालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस सेट होता है तो फिर नौकरी भी छोड़ने का वो विचार कर सकते हैं. रिटायर्ड पर्सन जो रहते हैं, वो रिटायर्ड पर्सन भी रिटायरमेंट के बाद सर्विस एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में आ सकते हैं. बहुत एक्टिव लोग रहते हैं कुछ लोग. हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम को 85 के लोग भी आके गए हैं, यानी अभी तक का मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, 85 के एज के लोग भी आते हैं उनको, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो बूढ़े नहीं होते हैं, इसलिए ओल्ड का डेफिनेशन एज पे नहीं है. नया नया सीखते रहने का, नया नया करते रहने का, ये जिसको आता है वो कितने भी एज का रहो वो यंग ही है. तो रिटायर पर्सन भी अच्छे एक्सपोर्ट्स में आते हैं. ये सब कैटेगरी के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन से हैं एक्सपोर्ट्स के लिए? बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं खाली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बताता हूं. एग्री एंड फूड प्रोडक्ट, जिसके ऊपर हम काफी 5-6 स्लाइड में आगे फोकस करने वाले आज. टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल फ्यूचर में हम कभी फोकस करेंगे. जेम्स एंड ज्वेलरी अच्छा एक्सपोर्ट होता है. फार्मा प्रोडक्ट अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं. औषधि, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सब होते हैं. होम्योपैथी. इंजीनियरिंग प्रोडक्ट अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं. केमिकल प्रोडक्ट अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं दोस्तों. मरीन प्रोडक्ट अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं. आज का हमारा सेशन हिंदी में है दोस्तों, मेरे कुछ सेशन इंग्लिश में रहते हैं, कुछ हिंदी में रहते हैं. तो आज का सेशन हमारा हिंदी है. आपको इंग्लिश सेशन हमारे देखना है तो आप हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाइए, यू विल फाइंड इंग्लिश सेशन आल्सो. केमिकल, मरीन सागर में सागरी प्रोडक्ट, मछली बिछली, इसमें भी अच्छा हमारा एक्सपोर्ट है और भी बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें. हैंडलूम में भी हम अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं. हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में भी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं. बहुत अच्छी चीजें हम उसमें लाते हैं दोस्तों. और कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग मटेरियल, इसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छा होता है. हमारे देश से, राजस्थान से काफी कंस्ट्रक्शन की सामग्री एक्सपोर्ट होती है और काफी हम दूसरे देश से इंपोर्ट भी करते हैं. ये आदान प्रदान चलता ही रहता है. मेनी अदर प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में. ये प्रोडक्ट का लिस्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो 336 पेज का लिस्ट है. इतना बड़ा प्रोडक्ट का लिस्ट है, इतने बड़े एक्सपोर्ट के लिए स्कोप है. जो आदमी जो प्रोडक्ट हमारे देश में देखता है वो सब प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और एक्सपोर्ट के लिए आपका शिक्षण ये वो जरूरी नहीं है. एक्सपोर्ट के लिए खाली दो चीजें जरूरी है. एक, आपका एक्सपोर्ट में समर्पण चाहिए, बिजनेस के प्रति समर्पण चाहिए. शिक्षण कम है, टैलेंट कम है तो भी चलता है. आपका 100% डेडिकेशन, डिवोशन चाहिए. और दूसरी चीज है, आपको मार्केटिंग को कितना समय देना और मैनेजमेंट को कितना समय देना, इसका जजमेंट चाहिए. ये दो चीजें अगर है तो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से आगे जाते हैं. तो मैं नॉलेज सेक्शन में काफी चीजें आपको बताऊंगा. आज पोर्शन बहुत है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा. अभी सर, इंपॉर्टेंट सर्विसेज भी है एक्सपोर्ट्स की.
वो सर्विसेज में लीगल सर्विसेज है, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ, काफी लॉयर लोग विदेश की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी करते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के काम करते हैं, दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, और काफी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का भी हमारे जूनियर लोग काम करते हैं, तो ऐसे काफी लॉयर लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी ये सी ए लोग सर्विस देते हैं, मैनेजमेंट के लोग मैनेजमेंट के सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, आर्किटेक्चर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने वाले एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया दूसरे देश में नौकरी मिला के देना, दूसरे देश के लोगों को अपने देश में नौकरी मिला के देना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। एजुकेशनल सर्विसेज में प्राइमरी सेकेंडरी सब एजुकेशनल सर्विसेज हमारे देश से एक्सलेंट एक्सपोर्ट होती है और स्कोप भी उसमें बहुत है, और टीचिंग सर्विसेज भी अच्छी एक्सपोर्ट होती है, और बहुत सारे सर्विसेज और भी एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो 7 पेज का वो लिस्ट है दोस्तों। तो ये सब सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास समय 1 घंटे का है, लेकिन हम 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, लेकिन मेरा आह्वान है अगर आपको लाइफ चेंज करना है तो मेरे अंतिम जय हिंद वंदे मातरम तक रुकिए, इतना समय निकाल के आए ही है तो थोड़ा सा रुकिए तो मजा आएगा आपको। इंपॉर्टेंट इश्यूज इन एग्जिम, एग्जिम में कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स लगते हैं लोगों को कि भाई इंग्लिश का नॉलेज लगता है क्या, तो ऐसी कुछ बात नहीं दोस्तों। इंग्लिश मेरे कुछ क्लाइंट है जो 8वीं फेल 10वीं फेल है, लेकिन एक्सलेंट एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बोलने वाले को काम पे रख के वो काम करते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं आता है तो इंग्लिश बोलने वाले को काम पे रख सकते हैं। कैपिटल भी जीरो कैपिटल से लोग शुरू करते हैं। आपके गांव में आप पूछिए सक्सेसफुल लोगों को कि आपका बिजनेस शुरू किया था तब भांडवल कितना था, काफी लोग बोलेंगे हमने जीरो से चालू किया था। जीरो से भी चालू कर सकते हैं, बेसिक खाली लाइसेंस लेना ये लेना, इसे 20-25 हजार रुपए के आपका कैपिटल आपके पास है तो भी आप कर सकते हैं। एडवांस लेने की क्षमता अगर आपके पास मार्केटिंग में है तो एडवांस आ जाता है तो कैपिटल की जरूरत नहीं है, या सप्लायर से क्रेडिट लेते हैं तो भी कैपिटल की जरूरत नहीं है, और कैपिटल लगता है तो बैंक से भी लोन वगैरह प्रॉपरली प्री शिपमेंट लोन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एलसी विलसी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के फॉरेन ट्रेड के लिए लोन मिलता है। बैड डेब्ट्स का थ्रेट रहता है, पैसा डूबने का विदेश में, सब माल भेज देने के बाद लोग चीटिंग करते हैं फ्रॉड करते हैं, ये डर इसलिए रहता है क्योंकि आपको सिस्टम मालूम नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है। एडवांस लेने का अगर सिस्टम मालूम है तो एडवांस ही आता है, काफी लोग एडवांस लेते हैं 100% एडवांस भी आता है, लेकिन अगर उधार देते हैं तो एलसी रहता है ईसीजीसी रहता है, इसके पैसे प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। मार्केटिंग का नॉलेज कैसा चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज बहुत बड़ा इशू रहता है, चीटर से कैसे बचना, अच्छे अच्छे लोग ढूंढना कैसे हैं, उसके कौन से सिस्टम है, मैं आगे कुछ स्लाइड में आपको इसमें थोड़ा सा फोकस करूंगा नॉलेज सेक्शन में। और पास्ट एक्सपीरियंस मुझे जरूरी है क्या, मैंने किसी एक्सपोर्टर के पास इंपोर्टर के पास काम करना चाहिए क्या एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में आने के लिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आगे एकदम फ्रेश है तो भी आप एक्सपोर्ट में आ सकते हैं, और जो रेगुलर थोड़ा बहुत बिजनेस का एक्सपीरियंस हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो भी आप स्वदेश व्यापार और विदेश व्यापार दोनों साथ में शुरू करके अपने आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ही चीज लगती है दोस्तों, जब तक स्विमिंग टैंक में हम जंप नहीं लगाएंगे तब तक स्विमिंग नहीं आता है, वैसा जब तक हम बिजनेस में आते नहीं है तब तक बिजनेस नहीं सीखते हैं। खाली वेबिनार देख के खाली किताबें पढ़ के बिजनेस नहीं आता है, बिजनेस में आना ही चाहिए, इसलिए प्रैक्टिकल आप अगर इसमें आते हैं तो अपने आप ही रास्ता खुलता जाएगा और आप बनते जाएंगे दोस्तों। चलो आज का हमारा टॉपिक अभी शुरू करते हैं, स्कोप इन एग्री एंड फूड एक्सपोर्ट्स। दोस्तों इंडिया नंबर इन एग्री एंड फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, भारत का दुनिया में अलग अलग आइटम में एग्री फूड प्रोडक्ट के कितना नंबर है वो देखते हैं। एप्पल में हम प्रोडक्शन में 5वें क्रमांक पे हैं, बनाना में हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं, जूट में नंबर 1 पे हैं, मैंगो नंबर 1 में है, मिल्क सेकंड नंबर पे हम प्रोडक्शन में हैं, कार्डमन विलायची इसको हम नॉर्थ इंडिया में इलायची भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको विलायची बोलते हैं, फर्स्ट नंबर पे है इसमें। राइस में हम सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग में है प्रोडक्शन में है,
टोमेटो में हम सेकंड नंबर पे, सोयाबीन में हम पांचवें नंबर पे हैं, कॉफी में हम छठे नंबर पे हैं, पाइनएप्पल में हम छठे नंबर पे हैं, पोटैटो में हम सेकंड नंबर पे हैं और कैश्यू में हम सेकंड नंबर पे हैं दोस्तों। तो ये हमारा ये है, पर लेकिन बताने के लिए मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों कि हम एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में तो टॉप में है दुनिया में एग्री और फूड प्रोडक्ट के, लेकिन एक्सपोर्ट में हम टॉप 10 में नहीं है। निगेटिव स्लाइड मैंने बनाया नहीं, इसलिए नहीं बनाया कि मुझे अच्छा नहीं लगता निगेटिव बात करना, मोटिवेशन ही अच्छा लगता है, लेकिन सत्य आपको बताना मेरा काम है, हम टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्री में भारत नहीं है। भारत का क्रमांक 13वां 14वां आता है, लेकिन हम इसको आगे लेके जा सकते हैं अगर आप सोचना कम करके थोड़ा सा व्यापार में आते हैं तो अपने आप ही आगे जाएगा। नहीं तो लेकिन कुछ कुछ लोग खाली वीडियो देखते रहते हैं, सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, 5 साल से एक्सपोर्ट सोच ही रहा है, करता कुछ नहीं है, इनका टैलेंट भी देश के काम का नहीं है और इनका शिक्षण भी देश का काम कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक आधा किधर तो भी उसको फेसबुक पे इधर कोई बैनर मिल जाता है, वो फटाक से सेमिनार अटेंड कर लेता है और फटाक से एक्सपोर्ट में आता है और शुरू भी कर देता है और वो 1 साल में स्टार एक्सपोर्टर भी बनता है। ऐसा होता है दोस्तों, और स्टार एक्सपोर्टर बनता है तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रहता है। 1 स्टार जो रहता है ना दोस्तों, 1 स्टार 20 करोड़ के ऊपर आता है। अब 25% भी प्रॉफिट मानते हैं ना, 25% प्रॉफिट तो भी बहुत, कभी कभी कुछ कुछ देशों में बहुत अच्छे भाव मिलते हैं, आप 100% 200% भी प्रॉफिट कमाते हैं कुछ कुछ आइटम में। आप किसके, उसके कला है मार्केटिंग में, मैं बताऊंगा आपको वो कला है, आपको कहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो गई है ये पता करना चाहिए। तो कहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है तो वहां पे भाव अच्छे मिलते हैं, कभी कभी हमारे देश से बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन मिनिमम आप 25% भी प्रॉफिट मानते हैं ना, तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनते हैं तो 20 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, तो आप 5 करोड़ उसमें प्रॉफिट ही होता है। तो सोचने वाले 5-5 साल खाली सोचते रहते हैं और करने वाले एक आधे साल में 20 स्टार एक्सपोर्टर बन जाते हैं। मैं सक्सेस स्टोरी में बताऊंगा आप, मेरे कुछ क्लाइंट कैसे 9 महीने में कैसे बने हैं, एक लेडी भी कैसी स्टार एक्सपोर्टर बनी है, एक ज्वेलरी वाला कैसा बना है, सब मैं सक्सेस स्टोरी में सिखाऊंगा। और फंसते कैसे लोग हैं, चीटिंग कैसा होता है लोगों के साथ, इसके भी कुछ से कुछ सुनाऊंगा। डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, सावधान करना आपको, ये मेरा उद्देश्य है दोस्तों। तो आप डरना नहीं, बहुत अच्छा स्कोप है, खाली हम प्रोडक्शन एग्री प्रोडक्शन में टॉप पे हैं लेकिन एग्री एक्सपोर्ट में टॉप पे नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, बस इतना ही मेरा दुख है। अभी हम जाते हैं अलग अलग जो एग्री के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, फ्लोरिकल्चर एंड सीड एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। फ्लोरिकल्चर प्रोड्यूसिंग टॉप स्टेट जो हमारे देश के हैं, जो फ्लोरिकल्चर बोले तो फ्लावर वगैरह जो रहते हैं, ये फ्लोरिकल्चर के जो टॉप स्टेट हमारे देश में है, नंबर 1 तमिलनाडु है। मैं सब तमिलनाडु के जनता को अभिनंदन करता हूँ, आप नंबर 1 पे फ्लोरिकल्चर में है। नंबर 2 पे कर्नाटका है, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल है, फिर आगे मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, आसाम, छत्तीसगढ़, इनके नंबर लगते हैं दोस्तों। इंडिया जो है, इंडियन फ्लोरिकल्चर जो है, इंडियन में जो फ्लोरिकल्चर मोस्टली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो रोज है, टब रोज है, ग्लैंड्स है, एंथुरियम है, कार्नेशन है, मैरीगोल्ड है, और भी होते हैं ये, लेकिन ये मेजर मैंने बताया आपको। माफ करना मेरा एक आधा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता है तो माफ करना, क्योंकि मैं फार्मर नहीं हूं, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन ट्रेनिंग 2006 से लेता हूं, इसलिए ये सब एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की प्रोसेस मालूम है और व्यापारी फैमिली में जन्म हुआ है इसलिए बिजनेस मालूम है। 4-5 कंपनी का मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, काफी कंपनी को हमने स्टार एक्सपोर्टर बनाया हुआ है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रैक्टिकल A to Z नॉलेज ईश्वर की दया से, हमारे गुरु की दया से, आर्य चाणक्य की दया से हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों फ्लोरिकल्चर की जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टिंग कंट्रीज है, यानी कि जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, नेदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोले तो यूएई, यूएई में दुबई, अबू धाबी वगैरह ये सब आते हैं दोस्तों।
बाकी काफी कंट्री में जाता है हमारा एग्रीकल्चर वो सब एक्सपोर्ट टोटल हम सब प्रोडक्ट मिला के अगर देखते हैं तो 168 कंट्री में हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं एग्री का बता रहा हूँ मैं, एग्री फूड प्रोडक्ट का। खाली ये टॉप की कंट्री बताएं फ्लोरिकल्चर और सीड्स के लिए। और एग्री में जो दूसरा सेगमेंट है दोस्तों वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। आपको मालूम है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। जिंजर को हम आलू बोलते हैं महाराष्ट्र में। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से हूँ दोस्तों, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में रहता हूँ। मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी मला खूब चांगली येते आणि मला वाटतं आज आजच्या कार्यक्रमामध्ये मराठी लोक खूप आहेत, पण मला हिंदी मध्येच आणि इंग्रजी मध्येच एक्सपोर्ट इम्पोर्टर वर बोलण्याची सवय आहे। असं मी तासनदासही मराठी बोलू शकतो तो काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण हा नॅशनल लेवलचा इश्यू असल्यामुळे मी फक्त हिंदी किंवा इंग्रजीच वापरतो आणि हिंदी महाराष्ट्रातल्या लोकांना सगळे सर्वांना कळते हे मला माहिती आहे, त्याच्यामुळं तो काही प्रॉब्लेम नाही। तो महाराष्ट्र में इसको हम आलं बोलते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसको हम अदरक बोलते हैं, और ओकरा जो है भेंडी जिसको बोलते हैं, ये वेजिटेबल में हम लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री में आते हैं। और सेकंड पोजीशन पे हम मेनली कुछ पोटैटोज हैं, ओनियन है, कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी जिसको हम बोलते हैं, ब्रिंजल है, बैंगन, कैबेज, गोभी बोलते हैं उसको, एक्सेट्रा, ये सब है। और फ्रूट्स के बारे में बताऊं दोस्तों तो बहुत खुशी होती है मुझे बताने के लिए कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना। टोटल दुनिया का जो प्रोडक्शन बनाना का होता है उसमें भारत का अकेले का 25.7% हिस्सा है। पपाया 43.6% पपाया है। मैंगोज, मैंगो का तो हम मैंगोज और गवार जैसे कि हम इसको जाम बोलते हैं, पेरू बोलते हैं, गवार, ये 40% के आगे हम प्रोड्यूस करते पूरे दुनिया में, इसका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। बाकी ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है, मैंगोज, बनाना, और ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। लार्जर पोर्शन ऑफ फ्रूट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम आवर कंट्री, वाइल ओनियन, मिक्स वेजिटेबल, पोटैटोज, टोमैटोज, ग्रीन चिली कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू दिस वेजिटेबल एक्सपोर्ट बास्केट। हम ये बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, इसमें स्कोप बहुत है क्योंकि हम प्रोडक्शन अच्छा करते हैं ना, हम दूसरी ऑफशोर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी ओनियन हमारे देश में महंगा हो जाता है ना दोस्तों, तो दूसरे देश में किधर भी सस्ता रहता है, उस समय वो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे रेगुलर पार्टी को वहां से लेके ऑफशोर ट्रेड भी कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एक्सपोर्ट में बनना है। एकदम सिंपल बताओ लॉजिक एक्सपोर्ट्स का, कहां से परचेस करना और कहां से कहां पे बेचना, इतना ज्ञान सिंपल लगता है। और ये इसके लिए शिक्षण नहीं लगता, इसके लिए अनुभव लगता है और वो प्रैक्टिस से आता है। अब आपको बताता हूं मैं, ज्यादा प्रोडक्शन जब होता है ना किसी जगह पे तो वहां पे भाव कम रहता है, ये आपका परचेस पॉइंट है, उसको आप इंपोर्ट बोल सकते हैं। अगर दूसरे देश में है भाव कम है, तो आप वो परचेस करते तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और जहां पे प्रोडक्शन कम है वहां पे भाव बहुत अच्छा मिलता है, ये आपका एक्सपोर्ट पॉइंट है, ये सेलिंग पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके जो फोकस कंट्री रहते हैं जहां पे आपके प्रोडक्ट का डिमांड है, कैसा निकालना, क्या निकालना, मैं बाद में बताता हूं आपको नॉलेज सेक्शन में। तो ये फोकस कंट्री में क्या होता है कि सपोज आपका अमेरिका फोकस कंट्री है, तो अमेरिका के फोकस कंट्री है, तो ये अमेरिका के फोकस कंट्री में सपोज आप कोई एक प्रोडक्ट है जो वहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं रहता है, 2-3 महीने में प्रोडक्टिविटी नहीं रहता है, तो वहां पे भाव बहुत अच्छे मिलता है, तो वो 2-3 महीने में आपको वहां पे एक्सपोर्ट ही करना है, फोकस करना है। और 2-3 महीने ऐसे रहते हैं जो वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है वहां पे, तो यहाँ पे इंडिया से फिर वहां पे उस समय एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, उस समय वहां से इम्पोर्ट करके आप ऑफशोर ट्रेड कर सकते हैं। और ये लॉजिक ऐसा ऐसा डेवलप होता है दोस्तों, बहुत सिस्टमैटिक अच्छा डेवलप होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया दोस्तों, और भी कुछ बातें शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन लेट मी कंप्लीट स्लाइड शो आल्सो। मेजर डेस्टिनेशन जो है अपने इंडियन फूड्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, आर बांग्लादेश, यूएई, नेदरलैंड, नेपाल, मलाशिया, यूके, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, लंदन वगैरह आता है उसमें।
श्रीलंका, ओमान और कतार। तो ये बहुत अच्छे डेस्टिनेशन हमारे फ्रूट्स के लिए है। दोस्तों चीटिंग बहुत होता है, स्पेसिफिकली ये दुबई में वगैरह बहुत सारे चीटर बैठे हुए हैं, मलेशिया में बहुत चीटर बैठे हुए हैं, चीटर से बचना चाहिए नहीं तो वाट लग जाती है। इसलिए सबसे अच्छा आर्ट है 100% एडवांस लेने का, अगर नहीं है तो फिर LC ECGC प्रॉपर सीख लेना है, फिर पैसा डूबने का डर नहीं रहता है। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सावत कर रहा हूँ, मैं नॉलेज सेक्शन में बताऊंगा आपको ये सब चीजें। ये फ्रूट्स वेजिटेबल हमने अभी तक दो सेक्शन देखे, फ्लोरिकल्चर देखा सेक्शन, फ्रूट वेजिटेबल देखा, और दो चार सेक्शन हम इसमें देखने वाले हैं प्रोसेस्ड फूड का एक सेक्शन है। प्रोसेस्ड फूड बोले तो मैंगो का पल्प करके बेचना, मैंगो का फिर जूस करके बेचना, मैंगो के बाय प्रोडक्ट करके बेचना, इसको प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। टोमेटो का टोमेटो सॉस करके बेचना, ऐसा ये हमारे फार्मर लोग क्या करते हैं, बहुत टोमेटो का उत्पादन हो जाता है ना तो भाव नहीं मिलता है, मार्केट हेड वाले भाव नहीं देते हैं, और यहाँ इनके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं रहती है दोस्तों, इसलिए वो फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ फार्मर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ताकत लगाइए, गवर्नमेंट से लोन मिलता है, सब मिलता है, आप कोल्ड स्टोरेज प्लांट आपके एरिया में डालिए और वो कोल्ड स्टोरेज प्लांट में वो स्टोर करके रख सकते हैं। या कुछ फार्मर को मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रोसेसिंग यूनिट डालिए, टोमेटो के प्रोसेसिंग यूनिट, जो जो वेस्ट होता है उसको प्रोसेसिंग, ऐसे फार्मर जो फेंक रहे हैं उनसे ले लीजिए, अच्छा भाव उनको दे दीजिए, मार्केट में उनको 5 रुपए मिलता है तो आप उनको 6 रुपए दीजिए, लिए और उसका फिर टोमेटो सॉस वगैरह ऐसा कन्वर्ट करके फिर एक्सलेंट भाव मिलता है, बहुत अच्छा भाव मिलता है दोस्तों। इसीलिए थोड़ा विजन लगता है, 10 फार्मर में एक फार्मर अगर ये ख्याल देता है तो 9 फार्मर को कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारे देश में फार्मर का आत्महत्या का प्रमाण जो दिखता है ये अपने आप ही कम हो जाएगा दोस्तों। सरकार के लेवल पे काम करेगी, हमारे लेवल पे काम करेंगे तो इसका एक अलग आपको सिनारो दिखेगा दोस्तों। तो चलो प्रोसेस फूड के बारे में कौन से होते हैं वो देखते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मीट, पोल्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब प्रोसेस फूड इसके होते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज, दारू वीरू बनाते हैं ये, अंगूर से दारू वगैरह बनती है, बियर वगैरह बनती है, सुला वाइन वगैरह बनती है, बहुत अच्छे अच्छे फिशरीज भी है, फिशरी भी जो फिश वगैरह है उसको प्रोसेस करके भी बहुत अच्छा फिश का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने फिश कितने खाए हुए हैं मुझे बताइए, आप में से जो फिश खाने वाले लोग हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फिश कितने टाइप के खाए होंगे, थोड़ा अंदाजा लगाइए, 2 टाइप के, 4 टाइप के, 5 टाइप के, 10 टाइप के। हिंदुस्तान से हम 200 टाइप के फिश एक्सपोर्ट करते हैं, कभी मौका आएगा तो देख लीजिए आप 200 टाइप के फिश कौन से एक्सपोर्ट होता है। ऐसे दुनिया में बहुत फिश की वैरायटी है। अरे हम इंडिया, हमारा जो एनिमल का जो पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन बीइंग से लेके सब कुत्ते बिल्ली है सब जो लैंड पे रहते हैं, इससे 3 गुना पॉपुलेशन सी के लोगों का है। तो सी में बहुत सारी संपदा है और हमारे देश को सी का 8,000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, लेकिन हमारा सी का एक्सपोर्ट खाली 2-3% है, क्योंकि लोग अच्छे विजनरी लोग नहीं है इसमें। विजनरी लोग जब आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छी क्रांति होते हैं। प्लांटेशन है, ग्रेन प्रोसेसिंग एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट ग्रुप्स लाइक कॉन्फेक्शनरी, चॉकलेट, कोको प्रोडक्ट, सोया बेस्ड प्रोडक्ट, मिनरल वाटर, हाई प्रोटीन फूड। देखिए ना दोस्तों, ये सोया चाप आता है, सोया के ब्रांडेड प्रोडक्ट, अभी टीवी में वो माधुरी दीक्षित एक ऐड बताती है, वो सोया की इसमें तो भी डालोगे किसकी आपकी हेल्थ अच्छी होती है। साला आपके फार्मर से ये लोग लेते हैं ये सोया कितना सस्ता और कितने अच्छे पैसे करते हैं, क्यों हम ना करें उसको, हम प्रोसेसिंग करके सोया के बेस के प्रोडक्ट क्यों नहीं करें। इसमें बहुत सरकार का बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, EPC वगैरह आपको बहुत अच्छे हेल्प करते हैं, आप अकेले नहीं है विदेश व्यापार में, हिंदुस्तान की हर एक संस्था आपके साथ है दोस्तों, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इंडियन फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में बहुत अच्छे चलते हैं, 300 से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट फूड प्रोसेसिंग की हमारे हिंदुस्तान में है दोस्तों। इंडिया ज्योग्राफिकल सिचुएशन गिव्स इट यूनिक एडवांटेज,
हमारे जोग्राफिकल सिचुएशन भारत का अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखते हैं ना, तो भारत ऐसा सेंटर में दिखता है। इधर आपको यूरोप वगैरह दिखेगा, इधर जापान वगैरह देखेंगे, ये देखिए मेरे ये मेरे दिल्ली के ऑफिस में देखिए, आपको नक्शे दिखेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये वर्ल्ड का नक्शा दिखेगा, ये इंडिया का नक्शा दिखेगा, ये दिल्ली का दिखेगा। ये मेरी आदत ही है नक्शे लगा के रखना। तो भारत, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो भारत के हर कॉर्नर का आदमी की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट का काम देखता हूँ, तो दिल्ली के 6-7-8 जो भी डिस्ट्रिक्ट है सबका सेवा होता है। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जो मार्गदर्शन करते हैं, काम करते हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं, तो दुनिया का ये हमारे सामने है। बाकी ये अवार्ड दीवाने, ये हमारा देवता है, ये सेंटर में देखते हैं ना, ये हमारा देवता दिखते हैं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देवता है। और बहुत अच्छा, तो ये ऐसा आप भी लगा के रखना है आपको, वर्ल्ड का मैप वगैरह आपके ऑफिस में घर पे देखते रहना है, एक दिन दुनिया के कोने कोने तक आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए। दोस्तों कैसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, क्या करना, कैसा नॉलेज लेना बताऊंगा। तो हमारा ज्योग्राफिकल सिचुएशन बहुत अच्छा है ना दोस्तों, इसलिए हम यूरोप के मिडिल ईस्ट बोले थे, सऊदी अरब वगैरह वगैरह, ये अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह मिडिल ईस्ट में आते हैं, जापान है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है एंड कोरिया, ये सब के बैलेंस में हम हैं। हम यूरोपियन कंट्रीज को लगभग 16-16.5% यूरोपियन कंट्रीज को लगभग हम 19% एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को हम 16% एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम लगभग 9% एक्सपोर्ट करते हैं, और एशियन कॉन्टिनेंट को हम लगभग 54% एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत फिगर है, मैं अभी किताब भी लिख रहा हूँ, एक किताब मेरा लिख के पूरा हो गया, लॉ के ऊपर है, वो अभी पब्लिशिंग के स्टेज पे है, 1-8 दिन में आ जाएगा, अमेज़न पे अगर मिलेगा। वो किताब का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज लीडिंग केस लॉज ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006। ऐसा बहुत एक्सेलेंट 2016 बहुत अच्छा एक्सेलेंट किताब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज के ऊपर है, एक्सेलेंट है। जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये है वो है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, उनको प्रोडक्ट के वो इस किताब की बहुत हेल्प होगी, और फॉरेन में भी जिनकी ब्रांचेस भारत में है ऐसे फॉरेन के सब लोगों की होगी। और वो पब्लिश होने के बाद दोस्तों 30,000 से ज्यादा ऑनलाइन स्टोर में वो अवेलेबल होगा, ई कॉपी भी उसकी अवेलेबल होगी, उसकी फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल होगी। और मैं दूसरा एक बुक लिख रहा हूँ, अभी मेरा 25% लिख के हुआ है, और वो बुक है मेरा एग्री एंड फूड प्रोडक्ट के बारे में, विस्तार से आपको 150-200 पेज का किताब मैं दूंगा, जिसकी कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे दोस्तों, जीवन बदल जाएगी। लेकिन वेट कीजिए, मैं नवरात्रि के करीब उसको लॉन्च करूंगा, आपके आपको मैसेज आ जाएगा, आपका ग्रुप जो बना हुआ है ग्रुप छोड़िए मत, आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और वो ग्रुप एडमिन पोस्ट का ग्रुप है खाली, उसमें बाकी कोई हैप्पी बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं डाल सकता, इसलिए हम जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वही आएगा, इसलिए आपको डिस्टर्ब होने का कोई कारण नहीं। लेकिन हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और आप में से कुछ लोग होंगे हमारे पिछले किसी ग्रुप में होंगे, आपको ये निमंत्रण मिला, आप आ गए यहाँ पे, तो आप हैं, तो आप यह ग्रुप में है, तो आप ग्रुप में बने रहिए, तो आपको हमारे काम की इनमें। और इसके बाद हमारा टेक्सटाइल का किताब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अरे जितना नॉलेज है दोस्तों हमारे पास वो हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। तो प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर बहुत अच्छा स्कोप है, प्रोसेस फूड पे मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों, क्योंकि ब्रांड आपका बनता है ना, ब्रांड आपका बनता है, तो जितना चाहिए उतना मार्जिन आप प्रोसेस फूड के ऊपर ले सकते हैं। अभी मैं अगले सेगमेंट जाऊंगा, मोस्टली सीरियल्स है, एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट में दोस्तों बहुत अच्छे एनिमल है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं हमारे देश से। कौन से एनिमल एक्सपोर्ट होते हैं? बफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है, शीप गोट मीट एक्सपोर्ट होता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, एनिमल कैसिंग है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, हनी है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट एक्सेलेंट एक्सपोर्ट होता है। मेरे एक दोस्त है दोस्तों, जो मेरा स्टूडेंट है लेकिन अभी दोस्त भी बन गया है, ये बॉम्बे से है, 8वीं फेल आदमी है,
लेकिन 200-200 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। खाली मक्का मदीना की यात्रा जब रहती ना, मक्का मदीना की यात्रा, वो एक डेढ़ महीने में वो अरबीन कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट करता है, ये मीट का एक्सपोर्ट करता है, तो उसका टर्नओवर लगभग 60 करोड़ का होता है। खाली डेढ़ महीने का टर्नओवर 60 करोड़ का होता है और उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसका 40% का है, कभी कभी 50% भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मिलता है। उसका जो मैनेजर वो एमबीए स्टूडेंट है और मालिक 8वीं फेल है, क्योंकि आपके सक्सेस का संबंध आपके शिक्षण से नहीं है, आप जंप कितने लगाते हैं और भागते कितने और मार्केटिंग के लिए समय कितना देते हैं, और जो चीजें आपके पास नहीं है वो आप हायर कर सकते हैं। आपके पास अकाउंट का नॉलेज नहीं, आप सीए हायर कर सकते हैं। इंग्लिश का नॉलेज नहीं, आप इंग्लिश बोलने वाला हायर कर सकते हैं। आपके पास मार्केटिंग का नॉलेज नहीं, मार्केटिंग में अच्छा बोलने वाला हायर कर सकते हैं। खुद भी सीख सकते हैं, खुद सीखना ज्यादा जरूरी है। एक बार सेट कर लेते तो फिर आप दूसरे के हाथ में काम दे सकते हैं। तो ये जस्ट मुझे याद आया, इसलिए मैंने एक सक्सेस स्टोरी बीच में ही ऐसा बता दिया। मेन मार्केट जो है फॉर इंडियन बफेलो मीट, ये बाकी के जो प्रोडक्ट है, इसमें जो मेन मार्केट है आर वियतनाम, सोशल वियतनाम है, मलेशिया है, इजिप्ट अरब पब्लिक है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ये हमारे बहुत अच्छे मार्केट इसके हैं, एनिमल प्रोडक्ट के हैं। ये सीरियल्स हैं, ये जो गेहूँ राइस दालें वगैरह, ये सबको सीरियल्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम मराठी में कड़धान्य बोलते हैं, हिंदी में इसका शब्द मुझे नहीं मालूम है, होगा कुछ शब्द लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मराठी में हम कड़धान्य बोलते हैं और सीरियल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दिए कुछ नाम आपको। तो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, व्हीट का है, गेहूं का, एंड अदर सीरियल्स ऑल्सो। इंपॉर्टेंट सीरियल्स आर, यहाँ पे नाम देखिए अभी, व्हीट, गेहूं, पैडी, भात, राइस, सोरगम, ज्वार, मिलेट, बाजरा। ये बाजरा गुजरात में बहुत फेमस है, गुजरात में हर होटल में बाजरा का रोटी, कांदा विंदा बहुत अच्छा, कांदा बोले तो ओनियन, लुंगड़ी बोलते हैं गुजराती लोग इसको, और नॉर्थ इंडियन लोग इसको कैश बोलते हैं, हम मराठी लोग इसको कांदा बोलते हैं, और बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी, और बाजरे के और ज्वार के बाय प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, और अभी तो मल्टी ग्रेन आटा बिटा भी एक बहुत अच्छी फैशन होता है दोस्तों। तो ये कोविड के कारण बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, अभी कोविड के कारण हमारी इंडियन फूड को, इंडियन प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मार्केट मिलने वाला है, क्योंकि हमारा इंडियन हर प्रोडक्ट, हर फूड का आइटम साइंटिफिक बेस पे है, साइंटिफिक बेस है उसके लिए। हमारा आप इडली डोसा खाते हैं ना, या रोटी खाते हैं, या पराठा खाते हैं, तो पेट कभी खराब नहीं होगा आपका, लेकिन बर्गर बर्गर खा लेते हैं 2-4 दिन तो पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि उनको साइंस नहीं है। हमारे पास साइंस है, वो टेस्ट के ऊपर डेवलप करते हैं, हमारे पास साइंटिफिक है, और आहिस्ता आहिस्ता हमको ये साइंस फेल करना है। फिर जो पेट खराब करने वाला बर्गर की चेन अगर दुनिया में चल सकती है, तो मेरा पेट खराब न करने वाला इडली डोसा की चेन, मेरे इंडियन फूड प्रोडक्ट की चेन क्यों नहीं चल सकती दोस्तों। खाली हमको उसके ऊपर फोकस करना है, और बहुत अच्छे लोग सरदार जी लोग बहुत अच्छे प्रमाण में दुनिया भर में फैले हुए हैं फूड प्रोडक्ट की, उनकी चेन की, चेन होटल की है, लेकिन इसमें बहुत स्कोप है दोस्तों। आज मैं बोलूंगा एक खाली 1% 2% भी हम दुनिया में फूड प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे इसमें जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को बहुत अच्छा साइंटिफिक बेस इसके ऊपर है। मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन जो है हमारे सीरियल्स के, ये ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, नेपाल, इराक है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन खाली आपको मेजर डेस्टिनेशन ही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोप है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोले तो जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, और नेचुरल वे से नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बराबर है, तो इसकी इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी अभी बहुत अच्छा फैड पूरे यूरोप कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में आ रहा है। इंडिया में तो पहले से इसका महत्व था, लेकिन अभी दुनिया में भी वो फैड आ रहा है दोस्तों। तो ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छा स्कोप अभी मिल रहा है, और एज पर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, वर्ल्ड की एग्रीकल्चर लैंड में, दुनिया में जितनी एग्रीकल्चर लैंड ऑर्गेनिक फार्म के लिए यूज होती है, उसमें
भारत का 9वां क्रमांक लगता है। एंड इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, ये जो ऑर्गेनिक के प्रोड्यूसर के बारे में देखते हैं तो भारत का नंबर एक आज है खाली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर। भारत सरकार के अच्छा अलग अलग डिपार्टमेंट भी उसके स्कोप करने उसके ऊपर फोकस करने के लिए हैं, तो उसका भी हेल्प होता है और आप इसमें लगे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कैनेडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड एंड जापान और बहुत सारे देश हैं। ये खाली मैंने आपको मेजर प्रोडक्ट मेजर डेस्टिनेशन बताया। कितना मजा आता है ना दोस्तों कि एग्री फूड प्रोडक्ट में कितना स्कोप है। वो करियर गाइडेंस जैसा रहता है दोस्तों, करियर गाइडेंस में जब कभी बताया ना पीएसआई का हिस्सा होना तो सामने वालों को लगता है पीएसआई होना है मुझे। कोई बोलता है हीरो हीरोइन का हिस्सा होना तो उसको लगेगा फिर हीरो हीरोइन ही होना है। कोई एक दिन आता है तो जज कैसा बनता है बताता है तो उस समय बच्चों को लगता है मैंने जज ही बनना चाहिए, ऐसा है। अभी आप मेरे एग्री फूड का प्रोडक्ट देखते हो तो आपको लगेगा मैंने एग्री फूड में ही जाना चाहिए, जब टेक्सटाइल सुनेंगे तो आपको टेक्सटाइल में ही जाने का ऐसा लगेगा। दोस्तों किसी भी लाइन में जाइए लेकिन उस लाइन में पहले एंट्री कीजिए जिस लाइन में आपको इंटरेस्ट है। पैसा मत देखिए किसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है कभी नहीं देखना, एक्सलेंस ही किसमें दे सकते हैं वो देखिए। अगर आप एग्री में एक्सलेंस ही दे सकते हैं, इजिली प्रोक्रूट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, तो सक्सेस आने के पहले की जो जर्नी है वो जर्नी में भी आनंद आता है। यू कैन एंजॉय दैट जर्नी फ्रेंड्स, इसलिए आपको मैंने बताया। नॉलेज जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, जो नॉलेज लगता है आपको विदेश व्यापार में एंट्री करने के लिए, ये नॉलेज के लिए आपको खाली 3 दिन निकालना है। एक्चुअली अभी तीसरा दिन हमने दूसरे दिन में ही कवर किया है, तो फ्राइडे इवनिंग 6 से 9, सैटरडे मॉर्निंग 8 से 11 और सैटरडे इवनिंग 5 से 8, ऐसे 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन में 100% प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत अच्छे एग्जिम टूल, स्टडी मटेरियल जो एग्जिम टूल बोल के आपको 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार ऐसे जाते जाते यूज कर सकते हैं, ऐसा परफेक्ट मिलता है दोस्तों। और मैं खुद लेता हूं ये सब सेशन और पूरे प्रैक्टिकल एंगल से आपको समझाता हूं दोस्तों। और इसका फीस बहुत रीजनेबल है, बहुत कम है। आप कोई टैली का कोर्स भी नहीं कर सकते उतने कम फी में, उतने कारपेंटर भी नहीं बन सकते इतने कम फी में, एक पान टपरी भी नहीं डाल सकते इतने कम फी में। आप इतने कम फी में हम आपको भारत का एक्सलेंट एक्सपोर्टर बनाते हैं। आपको इस सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी वो हम लास्ट स्लाइड में बताएंगे। वो स्लाइड आने के बाद हमारे एसोसिएट मैनेजर आपके साथ कुछ बात करेंगे और वो बात होने के बाद हम स्लाइड शो बंद करेंगे और उसके बाद हमारा रियल शो चालू हो जाएगा। वो शॉर्ट ही रहेगा, 10 ही मिनट रहेगा, लेकिन उसमें सक्सेस स्टोरी फेलियर स्टोरी रहेगा। और बाद में मैं एंडिंग पंच दूंगा, एंडिंग पंच ऐसा रहेगा कि आप खाली 1-1.5 साल अगर फोकस करते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स को तो क्या आपका जीवन बदलता है, ये मैं एंडिंग पंच में बताऊंगा दोस्तों आपको। तो ये बहुत नॉलेज अच्छा आपको मिलता है। तो जो पहले दिन का सेशन रहता है फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो पहले दिन के सेशन में आपको व्हाई टू डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्लासिफिकेशन, स्टेटस सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, डीजीएफटी के फॉर्म वगैरह कैसे, सब डीजीएफटी कैसे हेल्प करती है, ईपीसी कैसे हेल्प करती है, क्या क्या हेल्प मिलती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह कैसा देखना, जीएसटी का फायदा कैसा लेना, फेमा का क्या रोल रहता है, जो डिलीवरी टर्म्स रहते हैं ना ये अपना एफओबी, सीआईएफ, एक्स वर्क्स, माल वाहतुक का खर्चा किसने उठाना, ये सब के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कशन होता है। और एग्जीम रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ये सब होता है। फाइंडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, आपको प्रोडक्ट वाइज स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम होना चाहिए, आपके कौन से कंट्री में फोकस कंट्री कौन से हैं, आपके प्रोडक्ट को कौन से कंट्री में ज्यादा डिमांड है, ऐसे 20-25 फोकस कंट्री आप निकाल सकते हैं। तो वो निकालने का यंत्र ही यहाँ रहता है। टॉप के 100 प्रोडक्ट, टॉप के 100 कंट्रीज आपको यहाँ पे कैसे निकालना, क्या निकालना, ये सब हम यंत्र बताते हैं, सिखाते हैं आपको। हमारा पर्पज आपको एक्सपोर्ट सिखाना नहीं है, हमारा पर्पज आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में तैयार करना है। और हम आपको 1 स्टार 2 स्टार ऐसा देखना चाहते हैं। आपका जब स्टार का फोन आता है हमको 1 स्टार बन गए तो बहुत खुशी होती है दोस्तों, तो वो हम देना चाहते हैं। तो इसलिए आपको उस एंगल से ही सब मिलता है। CHA कस्टम हाउस एजेंट, शिपिंग, लॉजिस्टिक, इंडिया के पोर्ट, ICD सबका नॉलेज, अच्छा CHA कैसा ढूंढना वगैरह सब यहाँ पे कवर होता है। ग्लोबल मार्केटिंग 1 में कैटलॉग कैसा बनाना है,
छोटे छोटे सैंपल कैसे भेजते हैं, मिनिमम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोशन कैसा होता है, ब्रांडिंग हमारे प्रोडक्ट का कैसे करते हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अच्छा मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग के चार प्रेजेंटेशन होते हैं हमारे टोटल तीनों दिनों में, उसमें का ये एक है। और दूसरे दिन जो है प्रेजेंट नॉलेज से जो एक रिक्वायर्ड है वो टॉप 100 प्रोडक्ट, टॉप 100 प्रोडक्ट कंट्रीज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, MEIS लिस्ट जो है इंसेंटिव का लिस्ट भारत सरकार का, जिसको मैंने 336 पेज का लिस्ट बताया, वो उसमें आपके प्रोडक्ट का इंसेंटिव कितना मिलता है वो दिखता है। सर्विस एक्सपोर्ट का लिस्ट, उसमें सर्विस एक्सपोर्ट के लिए कितना इंसेंटिव मिलता है वो दिखता है। प्रोडक्ट ढूंढना कैसे, आपके दिमाग में अगर प्रोडक्ट नहीं है तो सही प्रोडक्ट ढूंढना कैसे, उसका टेक्निक है। पैकेजिंग कैसे करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट का, अनब्रांडेड प्रोडक्ट का, सोचिए ना थोड़ा, जापान में अगर प्रोडक्ट भेजेंगे और उसमें कन्नड़ लैंग्वेज डालेंगे या मराठी डालेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जापान में प्रोडक्ट भेजना है, मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इन ब्रांड अनब्रांडेड नहीं। अनब्रांडेड तो आप ऐसा भी भेज सकते हैं जिसमें आपका लेबल नहीं है, सामने वाला लेबल लगाया नहीं लगाया वो उसका देखेगा, लेकिन ब्रांडेड भेजेंगे तो आपको जापान का लैंग्वेज डालना पड़ेगा। और दुनिया में 236 देश है, 236 देश के लैंग्वेज आपको आते हैं क्या? नहीं आते हैं। लेकिन इसमें हेल्प मिलता है, कौन करता है, क्या करता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करते हैं, ट्रेड ब्लॉक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के अलग अलग देश के साथ होते हैं, उसका फायदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे लेते हैं, ये सब यहाँ पे कवर होता है। ग्लोबल मार्केटिंग टू में कोटेशन कैसा देना, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकालना, कोटेशन कैसा देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है अलग अलग देशों में क्या प्रोडक्ट के भाव चल रहे हैं, कहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हुई है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ से परचेस करना है, कहाँ पे बेचना है, ये लॉजिक सब यहाँ पे कवर होता है। ग्लोबल मार्केटिंग 3 में दोस्तों अलग अलग देशों का अभ्यास कैसे करना, खुद को अपग्रेडेशन कैसा करना, ये सब होता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में फिर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर, इंपोर्ट की प्रोसीजर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से वो चीजें करते हैं तो कस्टम के केसेस आपके ऊपर बनते हैं, आप कोर्ट कचहरी में आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग क्यों परेशान होते हैं, तो वो सब यहाँ पे हम आपको साबित करते हैं। और फिर पैकिंग, ये सब एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, इसके बारे में सब बताते हैं। और इसको मेंटेन कैसा करना, सरकार से बेनिफिट कैसा लेना, ये अगले दिन के सेशन में होता है। ये तीन दिन का सेशन है, हमने वो उसको दो दिन में कवर किया है, संडे आपको फ्री करने के लिए हमने क्या किया है, संडे का जो सेशन है वो हमने सैटरडे को ले लिया, इसे सैटरडे को आपको दो सेशन होता है। और अभी तो हमारे ये हिंदी बैच है तो फॉरेन के जो हिंदी लोग है वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बैच को फॉरेन के ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये समय में फॉरेन के यूके के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, तो उनके देश का टाइम टेबल और हमारे देश का टाइम टेबल के हिसाब से, तो जो हमारा प्रोग्राम सुबह 8 बजे था यहाँ पे भारत के टाइम टेबल के हिसाब से, तो यूके में उसका रात को 1 बजे थे, 1:30 बजे थे, और हम यहाँ पे साला एसी में परेशान हो रहे थे, दिल्ली के हीट में परेशान हो रहे थे, एसी में बैठे थे, और वो वहां पे मफलर विफलर डाल के, मफलर ऐसे ये करके बैठे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सर हमारे यहाँ पे इन आवर टाउन नाउ 11 डिग्री टेम्परेचर इज देयर, ये मजा आता है दोस्तों। और आपका ग्रुप बनता है, ये रहता है, उसका भी ग्रुप अलग रहता है आपका, जैसा आप ये एक खाली अवेयरनेस प्रोग्राम का एक ग्रुप है, लेकिन आप प्रोग्राम करके जाते हैं ना ये तीन दिन का, तो आपका ग्रुप अलग बनता है, तो आपको फिर आगे थोड़ा अलग अलग लेवल का अच्छी नॉलेज रहता है, क्योंकि हम आपको स्टार एक्सपोर्टर देखना चाहते हैं दोस्तों। स्टार एक्सपोर्टर बनते हैं तो बहुत जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हम मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करते हैं, और इवनिंग का कुछ समय और फ्राइडे सैटरडे कुछ संडे ऐसा कुछ समय हम भारत के लिए एक्सेलेंट एक्सपोर्टर इंपोर्टर तैयार करने का काम 2006 से करते हैं। इसलिए बहुत सारे वीडियोस है मेरे, बहुत सारे ये हैं, आप देखिए। और अभी मेरा 55 चल रहा है, तो अभी रिटायरमेंट 60 में ले सकता हूँ, 65 में ले सकता हूँ, मालूम नहीं कब रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन रिटायर होने के पहले मैक्सिमम किताबें इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो, सब हो, बस यही मेरी मनोकामना है। मैंने खत्म नहीं किया है दोस्तों, ये ग्लोबल मार्केटिंग, ये जो तीसरा दिन का प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको 1-5 स्टार जाने की ताकत रहती है। इसमें बिजनेस टू बिजनेस साइट में चीटर से कैसा बचना,
अच्छे अच्छे मैच्योर बायर कैसा ढूंढना, जिसका 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा रहता है, ये अगर आपके हाथ में लग गया ना दोस्तों, तो ये रिपीट ऑर्डर फटाफट देता है। तो 1 स्टार टू 5 स्टार का जर्नी बहुत फास्ट होता है। लेकिन इनके साथ बात कैसे करना, उसको अट्रैक्ट कैसे करना, उससे एडवांस पेमेंट कैसे लेना, ये कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बहुत विस्तार से सिखाते हैं। मैंने अभी खाली 1-1.5 मिनट में आपको बताया, लेकिन उस दिन हमको ये बताने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो आप सोच सकते हैं क्या ताकत होगी वो प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको हम एक्सलेंट ही करना चाहते हैं मार्केटिंग में भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस में। फाइनेंस क्लियर होता है दोस्तों, फाइनेंस में प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, एलसी बिलसी, एलसी के फ्रॉड कैसे होते हैं, फ्रॉड एलसी कैसे पहचानने की, सब क्लियर होता है। ईसीजीसी क्लियर होते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं वो भी काफी लोग आते हैं, वो भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं इतना सब नॉलेज, एक्सलेंट नॉलेज हमको कभी मिला ही नहीं था, क्योंकि हम आपको बिजनेस मैन बनाना चाहते हैं। खाली कोर्स करवाना नहीं चाहता है, बिजनेसमैन बनाना चाहता है, एक्सलेंट बिजनेसमैन, और वो भी स्टार लेवल का। और ये सब होने के बाद लास्ट जो रहता है बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट, जो 15-16 टाइप के बेनिफिट्स रहते हैं, वो कैसे क्लेम करने के सरकार से, और कब कब क्लेम करने के, आपने आप 3 महीने में क्लेम करेंगे, महीने में क्लेम करेंगे, इसके बारे में सब नॉलेज आता है दोस्तों। और ये पूरा नॉलेज बहुत कम पैसे में मिलता है, सब मिलता है। और ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है, इसके बारे में 2 मिनट में हमारे मैनेजर आपके साथ बात करेंगे। मैं मैनेजर को रिक्वेस्ट करता हूँ अमित भाई को कि वो आपके साथ बात करें। हाँ अमित जी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बोलिए बोलिए अमित, आवाज आ रहा है आपका। हाँ दोस्तों, आपने तकरीबन 1 घंटा हो गया सर ने स्टार्ट करने के बाद, काफी जब भारत देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार के बारे में जब क्लासेस यानी कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर से ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, तभी सबसे पहले इस सेशन इस फील्ड में इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार के बारे में। सोमानी सर 2006 से इसमें है, 1998 से सोमानी सर बॉम्बे हाईकोर्ट और होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली, यहाँ पे तो उनका फॉरेन ट्रेड या सब कारोबार तो चलता ही है, लेकिन वहाँ से टाइम निकाल के सर उनका जो भी कुछ पोटेंशियल उनके जो नॉलेज है वो लोगों को शेयर करना चाहते हैं। जैसे सर ने काफ़ी बातें आपको बताई है इस सेशन के बीच, तो दोस्तों आपको जो इन्विटेशन आया है वहाँ पे हमारे वेबसाइट का डिटेल्स है importexporteducation.com, और उसके नीचे अमित कामले एसोसिएट मैनेजर एरोनिका ग्लोबल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो सामने आपको स्लाइड्स पे दिख रहा है 9322188701। इस 3 डेज यानी कि 2 डेज वर्कशॉप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे वेबसाइट पे अभी तुरंत जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सर्कुलर है। आप डायरेक्टली मुझे अगर आप व्हाट्सएप भी तुरंत करते हैं मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं आपको इसके बारे में जो सर्कुलर से उसके फीस स्ट्रक्चर कैसे है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या बनती है, मैं आपको तुरंत फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू अमित। दोस्तों मैं अभी स्लाइड शो बंद कर रहा हूं और पूरा आपके साथ पूरे फेस के साथ आता हूं। दोस्तों अभी हमको कुछ सक्सेस स्टोरी, खाली इतना बताता हूं कि ये जो 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, ये 3 दिन के प्रोग्राम में संख्या मर्यादित रहती है, तो फुल होने के पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी सब इंफॉर्मेशन ये जो मैंने सब बताया डिटेल्स में जो क्या क्या कवर होता है सब सर्कुलर में विस्तार से दिया हुआ है, वो आप सब देख सकते हैं, अमित भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम आपको फेल्यूर स्टोरी पहले बताएंगे। फेल्यूर स्टोरी में एक स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि जिसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, कुछ नहीं लिया ऐसे एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, और उसने 5-6 कंटेनर भेजे ये दुबई को, और उसका पैसा अटक गया, 26 लाख रुपए अटक गया। मेरे पास आया रिकवरी के लिए, मेरे पास लॉ फर्म में एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है जो फॉरेन के रिकवरी का काम करते हैं, क्योंकि हमको इंटरनेशनल लॉ में भी मेरी डिग्री है, इसलिए मुझे मालूम है ये इंटरनेशनली कैसे हैंडल किया जाते हैं मैटर। मैं सॉलिसिट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मेरे लॉ फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको खाली बता रहा हूं कि ये हमारे पास है डिपार्टमेंट, इसलिए हमारे पास ये केसेस आते हैं। तो मैंने उसको पूछा, भाई आपने वो आदमी को भेजा तो एडवांस पेमेंट, बोले नहीं लिया। और फिर मैं बोला एलसी, बोले एलसी क्या रहता है मालूम ही नहीं। मैं बोला ईसीजीसी पॉलिसी, बोले मालूम ही नहीं। सोचिए दोस्त, प्रशिक्षण ना लेने का नतीजा ऐसा हुआ कि उसका पूरा के पूरा 26 लाख अटक गया।
अभी वो वसूल करेंगे हम, वो बात अलग है। हम चाणक्य के चेले हैं, रामदास स्वामी के चेले हैं, हमारे दो गुरु यारे चाणक्य और रामदास स्वामी, हम उनके चेले हैं। हम तो वसूल करेंगे करेंगे उसका पैसा, लेकिन तकलीफ होती है आप लोगों को दोस्तों, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा सा पैसा जाता है, लेकिन पूरा प्रशिक्षण लेके जब हम व्यापार में आते हैं ना, तो उसकी ताकत ही अलग होती है। और एक कोई चाहिए हमारे पास, जब भी हमको कोई प्रॉब्लम आए हम डिस्कस करेंगे किसी के साथ, तो हम रहते हैं वहां पर। आपको तीन दिन का प्रोग्राम होने के बाद आपको जब भी कभी प्रॉब्लम आता है जीवन में, आप हमको कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक फेल्योर स्टोरी और बताऊंगा, फिर तीन सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, और फिर एंडिंग पंच दूंगा आपको फर्स्ट दोस्तों। और बाकी आपको और वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको आते रहेंगे नोटिफिकेशन। हाँ, अभी हम आपको बता रहे हैं कि और एक फेल्योर स्टोरी, अभी का जो फेल्योर स्टोरी बताया मैंने आपको, एक्सपोर्ट का बताया। एक्सपोर्ट की फेल्योर स्टोरी ज्यादा आते हैं ऐसे ही, और हर एक का कारण एक ही है, अज्ञान, बाकी कुछ नहीं। उसको मालूम नहीं था इसलिए प्रॉब्लम में आ गया, मालूम रहता तो प्रॉब्लम में आता नहीं। इम्पोर्ट का एक सक्सेस स्टोरी ऐसा है कि एक आदमी ने, ये अहमदाबाद का मेरे पास मैटर आया था, 3 साल 3.5 साल हो गया उसको, 50 लाख का उन्होंने एडवांस भेजा चाइना के एक पार्टी को। उसका क्रेडिबिलिटी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। एक्चुअली क्रेडिबिलिटी देखना चाहिए हमने किसी को एडवांस भेजते हैं तो, इसलिए प्रशिक्षण में क्रेडिबिलिटी कैसा देखना, क्या देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब बहुत बहुत विस्तार से हम बताते हैं। तो उसने कुछ देखा नहीं क्रेडिबिलिटी, उसको 50 लाख का एडवांस भेज दिया मशीनरी का। मशीनरी आया, गोडाउन आया, गोडाउन में कंटेनर आया उसका, उसने कस्टम ड्यूटी वगैरह भी भर दिया 40%, 20 लाख रुपया। और जब कंटेनर खोला तो कंटेनर में मशीनरी नहीं था, पत्थर थे बड़े बड़े। क्या मिस्टेक हुआ इसका? सिंपल मिस्टेक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते समय प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन करना चाहिए, इसने वो किया नहीं, इसके लिए गलत माल आ गया। अगर वो प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन करता तो उसी पोर्ट पे ख्याल में आ जाता कि यहाँ पे इसमें पत्थर है, मशीनरी नहीं है, तो फिर वो आदमी वहीं जल जाता था, ये बच जाता, और वो आदमी गलती भी नहीं करता क्योंकि इंस्पेक्शन के सिस्टम अगर आप लगाते। ये सब टेक्निकल चीजें हैं दोस्तों, ये प्रशिक्षण में पूरी कवर होती है, लेकिन खाली अज्ञान के कारण कैसे पैसे लोगों के डूबते हैं। तो किसी का भी पैसा डूबता है विदेश व्यापार में वगैरह वगैरह, तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हैं, हमारे वेबसाइट दे सकते हैं। मेरे लीगल की वेबसाइट अलग है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजुकेशन की अलग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजुकेशन तो आपको मालूम है, importexporteducation.com है, और लीगल की मेरी मेरे नाम से ही है, jaiprakashsomani.com। उसके ऊपर आपको मेरे पूरा लीगल का काम दिखेगा, लॉ का काम दिखेगा, जो भी पूरा है। तो ये सक्सेस फेलियर स्टोरी बताई, अभी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। सक्सेस स्टोरी जो है वो पहली है कि ऐसे बहुत है दोस्तों, बहुत अच्छे बहुत है। कम से कम 40% जो एक्सपोर्टर मेरे बने हैं टोटल, सपोज 100 एक्सपोर्टर हमने बनाया है, तो उसमें के 40% जीरो से ही बने हैं, जिनके पास हमारे प्रोग्राम का फी देने के लिए भी पैसा नहीं था। उन्होंने इससे उससे कुछ उसना लिया, उधार लिया, उसना हमारा ये मराठी शब्द है, उधार लिया इधर से उधर से आरोप का है। लेकिन उसके बाद कोलकाता का ये इशू है, कोलकाता का वो पार्टिसिपेंट है, उसके बाद 1.5 महीने में उसने 1.5 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, 1.5 करोड़ का एक्सपोर्ट, और खाली 9 महीने में वो स्टार एक्सपोर्टर बन गया। सोचिए ना, 9 महीने में स्टार एक्सपोर्टर, 20 करोड़ का, सपोज 1 स्टार है, 20 करोड़ में उसको 5 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 महीने पहले वो आदमी प्रशिक्षण का फी भी नहीं ला सकता था, और 9 महीने के बाद वो 5 करोड़ कमाता है। मेहनत कैसी की, क्या की, सब बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना मेहनत करने से आता है, और मेहनत बहुत नहीं लगती है। हम बताते हैं कि आप हमको खाली आपके 24 आवर्स में से खाली 8 घंटे दो, बस 8 घंटे हम आपको प्लान करके देते हैं। अगर आप फुल टाइम काम करते तो, अगर आप पार्ट टाइम करते नौकरी करते करते तो 4 घंटे काम करो, और उसमें से मार्केटिंग के लिए कैसा काम करना है पूरा प्लानिंग करके देते हैं। जस्ट इम्प्लीमेंट दैट प्लान, इम्प्लीमेंट करते हैं ना प्लान। मैंने जब उसको पूछा ना कि भाई आप 9 महीने में स्टार एक्सपोर्टर बन गए, आपको क्या लगता है ये सक्सेस कैसा आया आपको? बोले सर, सक्सेस आने का एक ही रीजन है, आपने जो सिखाया उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और आपका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा याद था, बोले सर कि वो लाइन ऐसा था कि जब तक सक्सेस नहीं आता है तब तक प्रयत्न नहीं छोड़ना है, सक्सेस लेके ही प्रयत्न छोड़ना है। तो फिर मुझे फेल्योर शुरू में आया, लेकिन सक्सेस आया, और फिर वो मल्टीपल हो गया है। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या लेना है, सब मालूम। दूसरी एक लेडी थी बॉम्बे की,
जिसके बिल्डर हस्बैंड थे, 200-300 करोड़ का उनका बिल्डर का कारोबार है, उससे ज्यादा है। वो बीबी को बोलते थे, बीबी को, वो हाउसवाइफ थी, वो बोलते थे उसको तू कुछ नहीं कर सकती, कैश नहीं कर सकती, ये बोलती थी मुझे कुछ करना है, वो बोलती थी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा उसको निगेटिव कर दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने किधर हमारे वीडियो देखे और वो प्रशिक्षण को आ गई। प्रशिक्षण करने के बाद उसके अंदर की चेतना और हस्बैंड का निगेटिव इफेक्ट ऐसा इकट्ठा आ गया और उसने हस्बैंड के लाइन में एक्सपोर्ट नहीं शुरू किया, उसने अलग लाइन में एक्सपोर्ट शुरू किया, दैट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सपोर्ट शुरू किया। और विद इन डेढ़ साल में वो स्टार एक्सपोर्टर बन गई। आज वो दो तीन स्टार के बीच में है उसका टर्नओवर है। 2 star 100 crore के आगे आता है, 3 star लगभग 500 crore के आगे आता है, तो एवरेज उसका 300-350 crore का टर्नओवर है। तो ऐसे भी एक है, एक अंध एक्सपोर्टर है मेरा राजकोट का, जो 50 crore का एक्सपोर्ट करता है साल का, अंध है आदमी। ऐसे और भी अंध एक है, उसके बारे में है। समय नहीं मेरे पास अभी। और एक बताता हूँ खाली आपको, वो है ज्वेलर है, और दो बताता हूँ शॉर्ट में बताता हूँ। ज्वेलर एक, वो ज्वेलर जब आया था तब जस्ट एक छोटा सा दुकान था उसका, जालना का व्यापारी है, और उसने खाली 6 महीने में 1 star एक्सपोर्ट हाउस कंप्लीट कर दिया ज्वेलरी में। इतना अच्छा उसको विजन मिल गया। और इंदौर का मेरा एक व्यापारी जो सीरियल्स में लोकल ट्रेड करता था, और वो प्रोग्राम को आ गया, और उसने प्रोग्राम होने के बाद विद इन 6 months उसने 2 star एक्सपोर्ट ले लिया। उसने 1 star के लिए एप्लीकेशन ही नहीं किया, डायरेक्ट 2 star ही ले लिया, और आज उसका भी काम बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत किस्से हैं दोस्तों, लेकिन ये किस्से देख के मत आइए, अंदर आपके स्पार्क जागृत कीजिए, अंदर का राम जागृत कीजिए। अंदर का राम जागृत करेंगे, अपनी क्षमता जागृत करेंगे और काम करेंगे, और खाली 8 घंटा 16 घंटा आपको जो करना कीजिए, खाली 8 घंटे में मार्केटिंग के लिए समय कितना देना, मैनेजमेंट के लिए कितना, सब हम प्लान करके देते हैं। हम मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट है, इसलिए ये सबका थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है। बिजनेस का इतने साल का एक्सपीरियंस है, काफी कंपनी के हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारत सरकार के हम सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, भारत सरकार के हम सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं। ये सबका अनुभव का फायदा, और इतने हमारे स्टार एक्सपोर्टर जो हमको बताते हैं अनुभव उनके, वो सबका अनुभव का फायदा आपको देना हमारा कर्तव्य है। एक ही चीज बताता हूँ दोस्तों, खाली 1.5 साल आप पूरा फोकस करो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। कैसा होता है लाइफस्टाइल? सुबह का ब्रेकफास्ट सिंगापुर में करेंगे, दोपहर को कुआलालंपुर में आएंगे मलेशिया में, और शाम को आप हांगकांग में डिनर के लिए पहुंचते हैं। एक दिन में आप 3-3 देश ट्रैवल करते हैं, मीटिंग लेते चलते हैं, व्यस्त वो मस्त रहता है दोस्तों। व्यस्त बनिए, मस्त बनिए, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कीजिए, स्टार एक्सपोर्टर बनाइए, खुद को एनरिच कीजिए, अपने राष्ट्र को एनरिच कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।